कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, आज जानेंगे किस तरह का कारोबार लोहा बाजार में देखा जा रहा है, बुलेट की मार्केट में क्या कीमतें चल रही है, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आप देख कर चल सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ आप खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो लोहे के बाजार के बारे में बात करते हैं। मार्केट में हल्की सी रिकवरी इंगट के कारोबार में आज देखी गई है। इंगट के बाजार में जो वीकेंड वाले दिन गिरावट आई थी उस पर आज आप विराम देख कर चल सकते हैं और हल्की सी रिकवरी इंगट में देखी गई है, जिसको देखते हुए बुलेट में भी थोड़े से सुधार के साथ कारोबार देखा जा रहा है। कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो बुलेट का रेट 47,900 रुपये चल रहा है। मंडी गोविंदगढ़ में दुर्गापुर की कीमतें 43,700 है। रायगढ़ का रेट 43,500 है। रायपुर कीमतें 44,000 चल रही है। कोलकाता का रेट 44,400 है। जयपुर कीमतें 46,800 देखी जा रही हैं। मुजफ्फरनगर का रेट 47,100 है। मुंबई कीमतें 46,200 चल रही हैं। गाजियाबाद का रेट 47,000 चल रहा है। लुधियाना कीमतें 47,200 रुपये आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इंगट के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो इंगट के मार्केट में भी हल्की सी रिकवरी के साथ कारोबार हुआ है। वैसे इंगट का रेट 47,800 रुपये चल रहा है, जिसमें 200 रुपये तक की रिकवरी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। मिस स्प्रेक की कीमतें बाजारों में इस वक्त 37,300 रुपये देखी जा रही हैं। ओवरऑल मार्केट का आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार नहीं देखा गया है। इंगट में जो रिकवरी आई है, इसका असर आपको आने वाले समय में बुलेट के बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।